अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एमपी भोज में जो स्पेशल बीएड का जिन्होंने एंट्रेंस दिया था उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और उसको लेकर अभी कोई भी अपडेट दूर दूर तक नहीं है और इवन अब तो कॉल भी नहीं लग रहा है काफ़ी टाइम से और कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं आया है। मैंने काफ़ी मेल किया है उन्हें लेकिन कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया है और कॉल नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जो मेरे नोन में है मतलब दो तीन कैंडिडेट्स पर्सनली कनेक्टेड हैं मुझसे, तो मतलब वो नियर बाय रहते हैं यूनिवर्सिटी के, वो लोग गए थे वहाँ पता करने बट उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बताया है। और कुछ टाइम पहले जब रिसेंटली रिज़ल्ट आया था बीएड और डीएलएड वालों का, तो उस टाइम पे तो कॉल भी लग रहा था, इवन मेल का रिप्लाई भी आया था कि प्रोसेस में है, जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो अभी तक नहीं आया है। तो मैं पर्सनली बीइंग अ टीचर ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोग अदर यूनिवर्सिटी से ट्राई कर लीजिए। अभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकले हुए हैं, क्योंकि सेशन ख़राब करने से अच्छा है कि आप कहीं और से कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए, कहीं और का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर हो जाएगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप कहीं और से ट्राई कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों के पास जो स्पेशल बीएड करना चाहते हैं, फिर आप लोगों के पास मे भी शायद ये मौका फिर ना आए अदर यूनिवर्सिटी से भी करने का, क्योंकि फिर आपको जो स्पेशल बीएड है वो 4 साल की देखने को मिलेगी। तो बेहतर ही इसी में है कि आप लोग कहीं और से ट्राई कर लीजिए। बाकी यहाँ की जैसे ही कोई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, मैंने सोचा काफ़ी कि वीडियो ना बनाऊँ, क्या एक बात बार बार बोलना, बट स्टिल मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट आ रहे थे, तो बस मैं अपना सजेशन देने के लिए वीडियो बनाई है कि आप लोग प्लीज़ कहीं और से ट्राई कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कहीं और से तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, तो प्लान भी हमेशा रखना चाहिए, तो ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं कहीं और से एंट्रेंस दे दीजिए, हो जाता है तो ठीक है। बाकी कुछ भी होता है आगे फर्दर या मेल का कोई रिप्लाई आता है तो मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी। बाकी 2-3 रीज़न है मतलब रिज़ल्ट लेट होने के। फर्स्ट रीज़न तो यही है कि ये लोग सीट अपग्रेड करने का बोल रहे हैं, बढ़ाने का बोल रहे थे, अभी न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था कि 1000 सीट करेंगे स्पेशल बीएड वालों की। और दूसरा रीज़न ये है कि नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं, इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं और काफ़ी कैंडिडेट का मुझे ये कॉमेंट भी आया था कि मैम कुछ क्वेश्चन उसके अंदर गलत भी थे। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो वेट कीजिए, और अगर जो कैंडिडेट अगर मतलब फील करते हैं कि हाँ हम कहीं और से कर सकते हैं, तो वो लोग कहीं और से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।